नए कृषि कानून के खिलाफ और किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी द्वारा नरसिंहपुर जिले में 2 दिवसीय पदयात्रा निकाली गई, जिसका रविवार को संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भाजपा के केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। कांग्रेस पार्टी द्वारा कृषि कानून के विरोध में तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में 30 किलोमीटर की पदयात्रा का गाडरवारा में समापन हुआ। ग्राम बटेसरा से शुरू हुई पदयात्रा दूसरे दिन गाडरवारा पहुंची, जहां किसानों की मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। 2 दिन तक चली इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं रास्ते में पड़ने वाले गांव में ग्रामीणों द्वारा फूलमाला पहनाकर विधायक संजय शर्मा का स्वागत किया गया। विभिन्न ग्रामों में आयोजित जनसभाओं में यात्रा में शामिल कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानून एवं अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने बीजेपी सरकार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। किस उद्देश्य के लिए पदयात्रा कार्यक्रम? मध्य प्रदेश में किसानों के सम्मान के लिए जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने लागू करने जा रही है, और हमारे किसान भाई दिल्ली में लगातार 80 दिन से वहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, उन्हीं के पक्ष में हम लोगों ने पूरे जिले में हर विधानसभा में अपने अपने मुख्यालय से जाके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन SDM को देंगे, वो किसानों की मांगे सरकार वापस ले, इस उद्देश्य को लेकर यात्रा चालू की। पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की के निर्देश पे हर विधायक, हर विधानसभा क्षेत्र और हर ब्लॉक स्तर पे एक पदयात्रा किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में है के रूप में। जो हालात देश के हैं और लगभग 80 दिन हो गए और 230 किसानों की मौत भी हो गई, कड़कड़ाती ठंड से लेके बारिश तक में किसानों ने अपने जोश को कम होने नहीं दिया। किसानों की बातों को समझने के बजाय मोदी जी की सरकार और उनके मंत्री तरह तरह के हथकंडे और आरोप लगाते रहे किसानों पर, उसकी परिणति है कि किसान आंदोलन पूरा देशव्यापी हो गया और एक विकराल रूप में अब देश में सामने आ रहा है, जो देश की यथार्थ को दर्शा रहा है। ये आंदोलन अब थमने वाला नहीं, और किसानों के सम्मान में कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के समर्थन। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल ही में 3 नए कृषि कानून पारित किए हैं, जिसके खिलाफ हरियाणा और पंजाब के किसान पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली, जिसके चलते अब किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। नरसिंहपुर से रमाकांत कौरव की रिपोर्ट।